18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। संबल के थाना बैजोई का बिसोरा गांव है, जहां पर बीजेपी नेता पर एक समुदाय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद जी को शिकायती पत्र सौंपकर अपनी रक्षा और सुरक्षा की मांग की है। आपको बताते चले कि गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए विशाल चौधरी और काफी कार्यकर्ताओं के विषय में बताया कि गाड़ी में सवार हथियार बंद आए हैं। दबंगों ने गाँव में भागने और जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही फर्जी मुकदमे पर फंसाने की धमकी दी है। बीजेपी को वोट और सपोर्ट नहीं की तो पूरे गाँव को जीना दुश्वार कर दूंगा। गांव की सैकड़ों लोग आज संबल एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी गुहार लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने अपनी सुरक्षा को लेकर मदद की गुहार लगाई है। शिकायत का इंसाफ मिल सके इसलिए उन्हें भी एक शिकायत पत्र सौंपा है। जनपद संबल के बैजू थाना क्षेत्र का मामला है, बिसारू गाँव का। अभी लोग आए हैं, बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं और कह रहे हैं हम पलायन कर जाएं, गांव से क्या करें। कुछ लोग इनको गांव में आरोपित कर रहे हैं कि साहब हमारी रात को गायें आकर ले जा रहा था कोई लड़का। तो कोई लड़का अगर है तो उसकी जांच करे पुलिस, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, नहीं तो बेगुनाह को क्यों मजबूर कर रहे हैं पलायन करने में। ये बुरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। देश में अमन शांति की बात हम लोग कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। ये चुनाव में घपलेबाजी की धमकी देना, लोगों को घरों से भगाना कि तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे, दलित समाज के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, पिछड़ी जाति के लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, तो क्या तरीका है ये? इसकी शिकायत की है हमने पुलिस अधीक्षक संबंध से। अगर ऐसा हुआ कि लोग प्लान करने पर मजबूर। बैजू थाना बिसारू से मेरा नाम जसेफ हुसैन है। हमारे गांव में आए दिन भाजपा के नेता विशाल चौहान दिनांक 23 तारीख 3/2019 को आए थे और उन्होंने ये कहा था लोग मुसलमानों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। हथियारों सहित आए थे, हथियार लहराते हुए गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो आपको गाँव से उखेड़ दिया जाएगा और तुम्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। इनके साथ राधे श्याम पुत्र। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमारे जो लोग दोषी ठहराए गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने चोरी का नाम लगाया है कि गाय चुरा कर ले गए, जबकि जहां पर चोरी का नाम लगाया है वहां पर पूरी रात रोशनी थी, वहां बिजली घर है और जो जिस व्यक्ति का वो नाम लगा रहे हैं। प्राइमेटी न्यूज के लिए संबल से सत्यपाल सिंह यादव की रिपोर्ट।